डेली में खुश आमदीद धाबी कोर्ट का हजारों कारकुनों को 317 मिलियन दिरहम अदा करने का हुक्म अबूधाबी लेबर कोर्ट ने चौदह हजार सात सौ सतहत्तर कारकुनों के हकूक का तस्वीया किया है जो तकरीबन तीन सौ सत्रह मिलियन दिरहम यानी छियासी मिलियन डॉलर के वाजबाद बनते हैं दो हजार बाईस में आठ हजार पांच सौ साठ कारकुन मजमुई तौर पर एक सौ पच्चीस मिलियन दिरहम चौंतीस मिलियन के वाजबात के लिए इज्तमाहीकदमात में हकदार थे जबकि छः हजार दो सत्रह कारफरादी मुकदमा में मुलवस थे जिनकी मालियत एक सौ बयानवे मिलियन दरहम बावन अशारिया दो मिलियन थी अदालत ने कहा कि वो मजदूरों के तनाजात को जल्द अज जल्द हल करने और कारकुनों को अदायगियों में सहूलत फराहम करने के लिए कोशा है इसने ये भी रिमार्क्स दिए कि इस अमल में इस्तेमाल इस्तेमालशुदा तरीक़कार इस बात को यकीनी बनाता है कि हर फरीक के हकूक कानून के मुताबिक पूरे हों लेबर कोर्ट ने मुख्तलिफ महमों के दरमियान ताउन की भी तारीफ की बशमूल वजारत बर इंसानी वसायल और अमारात मोहरे कबल अजीम महरे ने निजी फर्म से अमाराती मुलाजमीन को पेंशन और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में रजिस्टर करने की हिदायत की थी नफीस प्रोग्राम के तहत फवाद के अहल होने के लिए ये शर्त लाजमी है मुत अरब अमारात ने निजी शोबे में मुसाबकत और अमारातियों की तादाद बढ़ाने के लिए नफीस प्रोग्राम का आगाज किया जो अमारातियों को रोजगार हासिल करने और अपने और तली सफर को आगे बढ़ाने में मदद के लिए ज़रूरी महारत फराहम करता है अब तक के लिए इतना ही अगले तक के लिए